उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी को पीएम मोदी ने दिल्ली तलब किया है। चुनाव की बागडोर बीच में छोड़ सीएम योगी के दिल्ली पहुंचने को लेकर कुछ लोग दिवाली की शिष्टाचार भेंट के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन दिवाली बीत जाने के बाद कैसी शिष्टाचार भेंट? सवाल उठने लगे हैं कि क्या योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे से पीएम मोदी भी खुश नहीं हैं? क्या पीएम मोदी ने सीएम योगी को कोई नसीहत दी है? क्या मोदी ने योगी को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का पैगाम दिया है? यूपी बीजेपी में हो रही भीतरघात से सीएम योगी पहले ही परेशान थे कि अब बटेंगे तो कटेंगे नारा भी योगी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस बीच दिल्ली में योगी का तलब होना केशव और ब्रजेश पाठक खेमे के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पहले ही बटेंगे तो कटेंगे नारे से तौबा कर चुके हैं। दावा है कि पीएम मोदी और योगी के बीच चुनावी चर्चा के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। योगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में दो बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। पहला राज्य में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव और फिर दूसरा प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ का आयोजन होना है। अब इन दोनों ही कार्यक्रमों की सफलता के लिए योगी सरकार पूरे दमखम के साथ जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। इस क्रम में सीएम योगी दिल्ली दौरे पर निकल गए। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से करीब एक घंटे की मुलाकात की। उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान चुनावी चर्चा के साथ ही 2025 महाकुंभ का न्योता भी दिया गया। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम योगी और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी। सूत्रों का कहना है इस दौरान यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उपजे विवाद का सियासी हल निकालने पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। पीएम आवास पर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग को कई कारणों से बेहद अहम बताया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिवाली के बाद यूपी सीएम राज्य के बाहर निकले और उन्होंने इस दौरान किसी बीजेपी के सीनियर नेता से मुलाकात की। वैसे यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसके कारण इस मुलाकात के सियासी मायने भी होने की संभावना है। जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है उनमें 5 पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और 4 पर समाजवादी पार्टी सपा का कब्जा है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले चुनावी बयानबाजी के दौरान कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। उनका ये भाषण सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच के दौरान कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। हालांकि यूपी के प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए नया लोगो रिलीज किया गया है, तो ये मुलाकात उसके लिए भी हो सकती है। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना, न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है, और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा, इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही है। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य के इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष नहीं 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे लेकिन अधूरी दीपावली थी,
अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पटांग्या गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या सुनी थी, अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वह अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं।